हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के सवालों को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक आपको बताते हैं। सबसे पहले बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है, तब हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन से भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक जानना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए, द्विघात समीकरण बात करते हैं। द्विघात समीकरण का जैसा आपका रिमाइंड कर देते हैं, जैसा रिवीजन हो जाएगा। किसके फॉर्म में रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वल टू जीरो। ये मेरा क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, डी का मान अगर जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर रहे, डी का मान जीरो से बड़ा रहे या फिर जीरो के बराबर रहे, तो अस्तित्व है। अगर डी का मान जीरो से कम रहे तो अस्तित्व नहीं है। इतना हम बता दिए, ठीक है। अब देखिए, आपको ध्यान में अब क्या रखना है इस एक्सरसाइज में, आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि डी क्या है मेरा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यदि मेरा डी का मान क्या रहे? जीरो से बड़ा रहे। जीरो से बड़ा का मतलब प्लस में रहे। अगर मेरा डी का मान जीरो से बड़ा है तो उसका क्या होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल होगा यदि डी का मान जीरो से बड़ा हो, ठीक है। अब आगे देखिए, दो बराबर भिन्न होंगे। बराबर मतलब समान भिन्न होगा, बराबर वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे यदि d इक्वल टू जीरो हो। d इक्वल टू अगर मेरा जीरो रहेगा तो क्या होगा? d इक्वल टू अगर जीरो रहेगा तो मेरा दो मूल जो आएगा वो क्या रहेगा? बराबर होगा, अगर d इक्वल टू जीरो है। तीसरा केस, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, मतलब कोई वास्तविक मूल ही नहीं है, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है किसमें? जब d, यदि लिख देंगे, यदि d का मान क्या रहे? जीरो से कम रहे। जीरो से कम है देखिए यहाँ पे, अर्थात ऋणात्मक। तो जब d का मान जीरो से कम रहे तो उसका कोई मूल नहीं निकलेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि d जीरो से छोटा हो, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था। अब हम एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। आइए अब एक्सरसाइज के सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने बोल रहा है। एग्जाम में निश्चित 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति निकालिए। 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व हो तब हमको उसको ज्ञात करना है, मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमको उसको ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। तो पहला क्या है? 2x² - 3x + 5, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं 2x² - 3x + 5। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण मेरा क्या होता है? ax² + bx + c
प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब हम इससे कंपेयर करेंगे इसको तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक टू, बी का वैल्यू एक्स का गुणांक माइनस थ्री, और सी का वैल्यू अचर पद फाइव है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर ए सी, ए का मान कितना टू और सी का मान फाइव, तो हो जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, देखिए माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पे नाइन हो गया। माइनस फोर टू जा एट, एट फाइव जा फोर्टी, माइनस थर्टी वन। अब देखिए डी का मान जो आया, डी का मान क्या आया, जीरो से छोटा आया या बड़ा आया, जीरो से छोटा आया। तो जब डी का मान जीरो से छोटा आया तो लिख देंगे अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डी का मान मेरा जीरो से छोटा आ गया। डी का मान बराबर, डी का मान जो आना चाहिए जीरो के इक्वल आना चाहिए या फिर जीरो से बड़ा आना चाहिए, तब अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, अस्तित्व नहीं है। अब देखते हैं सेकंड, इसके आगे सेकंड क्वेश्चन में क्या है। देखिए जब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, सेकंड है तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा थ्री, बी का वैल्यू माइनस रूट फोर रूट थ्री, और सी अचर पद क्या है फोर, इतना आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी। डी मेरा देखते हैं क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए थ्री है, सी फोर है। देखिए माइनस फोर रूट थ्री इंटू माइनस फोर रूट थ्री, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन और अंदर रूट थ्री, थ्री जा नाइन, तो 16 इंटू नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है थ्री, तो 48 हो जाएगा, 16 थ्री जा 48, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 48 माइनस 4 थ्री जा 12, 12 फोर जा 48, तो 48 में से 48 माइनस हो गया तो कितना आ गया जीरो। डी का मान मेरा आ गया जीरो, इसका मतलब डी बराबर जीरो। जब मेरा डी बराबर जीरो है अतः हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अतः वास्तविक मूल बराबर होंगे, अतः वास्तविक मूल क्या होंगे बराबर होंगे। देखिए कौ छूट गया यहाँ पे, वास्तविक मूल बराबर होंगे, तो बराबर क्या हो रहा है मेरा देख लेते हैं निकाल के। तो जब वास्तविक मूल बराबर होंगे तो x इक्वल टू, मूलों का अस्तित्व है इसमें क्योंकि बराबर हो रहा है, d इक्वल टू जीरो आ गया, तो x का वैल्यू क्या होता है फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट डी बटे टू ए, ये फार्मूला होता है x निकालने का, x का वैल्यू निकालने का। अब देखिए x माइनस बी, तो माइनस क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है माइनस में फोर रूट थ्री, देखिए ये तो फार्मूला में है और b का मान टोटल माइनस में है, तो उसको ब्रैकेट में ले लिए, प्लस माइनस अंदर रूट d, प्लस माइनस अंदर रूट d, d का वैल्यू क्या आ गया जीरो, जीरो ले लेंगे बटे टू ए, टू ए का मान कितना है थ्री, आपको यहाँ से नोट करना है। अब देखिए x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर रूट थ्री, प्लस माइनस जीरो ही हो जाएगा ही, टू थ्री जा सिक्स, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे जीरो तो कोई चेंज नहीं होगा, जीरो ऐड करने पे भी कोई चेंज नहीं होता है, अगर किसी में जीरो घटाएंगे यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे कोई उसमें चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू एक हो जाएगा फोर रूट थ्री बाय सिक्स, और दूसरा आ जाएगा एक्स का वैल्यू वही फोर रूट थ्री बाय सिक्स। तो इसको जब हम कटाएंगे देखिए टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, तो एक आ जाएगा क्या टू रूट थ्री बाय थ्री,
देखिए यहाँ पे रूट में है थ्री, तो परमेयकरण करेंगे इसका, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रूट नाइन, थ्री थ्री या नाइन और थ्री रूट थ्री, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू थ्री बाय थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, तो क्या आ गया मेरा टू बाय रूट थ्री, टू बाय रूट थ्री आ गया मेरा आंसर। इधर देखिए क्या आ रहा है, दूसरा दूसरा वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, वही टू रूट थ्री बाय थ्री, इसको भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टू रूट नाइन बाय थ्री रूट थ्री, तो टू इंटू थ्री, थ्री इंटू रूट थ्री, तो टू बाय रूट थ्री। दो मेरा मूल निकल के आ गया क्या, वही बराबर मूल निकल के आ गया टू बाय रूट थ्री, और एक टू बाय रूट थ्री आपको दिख रहा होगा, नहीं तो हाईलाइट कर देते हैं जरा सा। टू बाय रूट थ्री और एक टू बाय रूट थ्री आपको दिख गया होगा। तो देखिए जब मेरा डी का मान जीरो के इक्वल रहे तो मेरा दो मूल निकलेगा, वो भी बराबर निकलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड, थर्ड में क्या है, अब देखिए थर्ड जो है, थर्ड क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, तो एक ए का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा टू, बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस सिक्स और सी का वैल्यू आ जाएगा थ्री, इससे कंपेयर किया हम, तो देखिए सबसे पहले हम डी निकालेंगे क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी माइनस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए, टू सी है थ्री, तो माइनस सिक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, जब इसको माइनस करेंगे ट्वेल्व हो जाएगा। अब देखिए डी का मान जो आ गया जीरो से क्या आ गया, बड़ा आ गया, जीरो से बड़ा आया कि नहीं, डी का मान बारह आ गया, तो जब डी का मान जीरो से बड़ा रहे, जीरो से बड़ा रहे, तो इसका मतलब अतः लिख देंगे इसमें, अतः वास्तविक मूल भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, वास्तविक मूल क्या है, भिन्न भिन्न है मतलब अलग अलग है, अगर d का मान मेरा क्या है जीरो से बड़ा है। अब देखिए x इक्वल टू क्या होता है, निकाल लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट डी बटे में टू ए, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए माइनस बी, तो माइनस और फिर b का वैल्यू माइनस में है तो माइनस सिक्स हो जाएगा, ये माइनस फॉर्मूला में b का वैल्यू भी माइनस में है तो ब्रैकेट में ले लिया उसको, प्लस माइनस d, d का मान आ गया ट्वेल्व बाय टू इंटू ए, ए का मान टू है, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी दिक्कत, अब देखिए x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी सिर्फ सिक्स हो जाएगा, सिक्स प्लस अंदर रूट ट्वेल्व बाय टू इंटू टू, कितना फोर, इतना हो जाएगा मेरा। अब देखिए प्लस माइनस में, ठीक। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वेल्व को रूट फोर इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, जहाँ पे रूट फोर का वैल्यू आ जाएगा टू और इधर हो जाएगा अंदर रूट में थ्री, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिक्स प्लस माइनस टू रूट थ्री बाय फोर, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, क्या किए ट्वेल्व को हम तोड़ दिए। अब देखिए अगर हम इससे कॉमन लेते हैं, किसको, टू को कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा, थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, ये ना आ जाएगा, टू बाहर चले गया बटे फोर, टू टू जा फोर, तो क्या आ जाएगा थ्री प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू, एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में ले लेंगे, तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा थ्री प्लस माइनस
एक प्लस में आ जाएगा थ्री प्लस रूट थ्री बाय टू, और दूसरा आ जाएगा थ्री माइनस रूट थ्री बाय टू। तो यही इसका आंसर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इससे सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर टू में क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, के का मान हमको फाइंड करना है, ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो देखिए जब दो बराबर मूल मेरा होता है, बराबर इक्वल, जब मेरा बराबर दो मूल होता है तो क्या डी इक्वल टू जीरो होता है, डी का मान क्या होता है जीरो, तब ना बराबर दो मूल होता है। तो हम इसमें डी का वैल्यू क्या रख देंगे जीरो कर देंगे, तो अब मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा टू आ जाएगा यहाँ से, बी का वैल्यू एक्स का गुना के है, और सी का वैल्यू अचर पद थ्री है। अब देखिए डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है, देखिए पहले बोला है कि दो बराबर मूल हो, क्या है दो बराबर मूल हो, तो दो बराबर मूल हो मतलब कंडीशन हमको क्या रखना है डी इक्वल टू जीरो। डी बराबर क्या होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या हो जाएगा जीरो के बराबर, ये ना डी का मान हम जीरो क्यों रखें, क्योंकि बोल रहा है कि दो बराबर मूल है। अब देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दो बराबर मूल है इसलिए हम d बराबर जीरो रखें। अब देखिए b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, b का मान k है तो k स्क्वायर हो गया माइनस फोर, a का मान टू और c का मान थ्री इक्वल टू जीरो। तो k स्क्वायर माइनस फोर टू जा कितना एट, फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर मेरा क्या निकल के आ गया माइनस इधर है 24, तो उधर जा क्या हो जाएगा प्लस 24, के का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24, ठीक है प्लस माइनस अंडर रूट 24। अगर हम 24 को ब्रेक करें, 24 को अगर हम ब्रेक करें तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 24 इतना हो जाएगा, तो टू टू जा फोर, फोर टू बाहर आ जाएगा एक, और बच जाएगा क्या सिक्स, टू अंडर रूट में सिक्स, तो प्लस माइनस टू रूट सिक्स भी हम इसको लिख सकते हैं। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस टू रूट सिक्स या फिर अंडर रूट में 24 ही सिर्फ आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट में, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसको भी उसी से कंपेयर करेंगे, सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में ले आते हैं, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू इंटू के, टू के एक्स है तो एक्स भी हो जाएगा प्लस सिक्स इंटू जीरो। देखिए के एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया के एक्स स्क्वायर हो गया, जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू के एक्स, ठीक है टू के एक्स, और यहाँ पे क्या है सिक्स, सिक्स हम बाहर में रख दिए उसको। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा के, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा के, बी का वैल्यू माइनस का टू के, क्यों आया क्योंकि एक्स का गुणांक होता है, और सी का वैल्यू आ जाएगा सिक्स, सी का वैल्यू आ गया सिक्स। डी बराबर हमको क्या रखना है जीरो, क्योंकि दो बराबर मेरा मूल है। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए है के और सी, सी है सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी टू का स्क्वायर फोर, के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर के इक्वल टू जीरो। तो जब हम उसको के वाला टर्म को उधर ले जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर के था, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर के
प्लस में हो गया, एक के इधर एक स्क्वायर में के इधर है, कैंसिल हो गया, तो 4k इक्वल टू क्या आ गया मेरा 24। तो k का मान क्या हो जाएगा 24/6। तो k का मान मेरा निकल के आ गया 24/4 होगा, सॉरी यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, तो 4 क्या होगा मेरा डिवाइड में, तो 6 टाइम में ही कट जाएगा, तो k का मान आ गया मेरा क्या 6। कुछ नहीं था, बस इतना ही था क्वेश्चन में, आपको ध्यान से बस देखना है और समझना है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी सॉल्व करेंगे।